मैं एक गरीब घराने से संबंध रखती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पापा को कॉलेज में पढ़ने के लिए राजी किया था। वे कहते थे 10 क्लास पढ़ ली बहुत है मैं और खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अपने पापा की विनती की थी। मैंने कहा, पापा 10 क्लास की पढ़ाई को कोई नहीं पूछता, आप क्यों नहीं समझते मैं आपके हालात बदलना चाहती हूँ। अच्छी शिक्षा हासिल करके अच्छी नौकरी करूँगी, हमारे हालात भी बदल जाएंगे। मेरे पापा कहने लगे, भगवान ने मुझे जो कुछ दिया है मैं उसी में खुश हूँ। तुमने पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन नौकरी मैं तुमसे नहीं करवाऊंगा। खैर, मैं इस बात पर ही खुश थी कि मेरे पापा मान गए थे, क्योंकि मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे और मैं ये 1 गेट से पास हुई थी। इसलिए मैंने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया था। वहाँ मेरी दोस्ती ऐसी लड़कियों से हो गई जो कि अच्छे खासे खाते पीते घरानों से संबंध रखती थी। मेरे पास वैसे तो कोई भी दौलत न थी, लेकिन हाँ, मैं हुस्न की दौलत से मालामाल थी। मेरी दोस्त जब ब्रांडेड कपड़ों की बातें करती, बड़े बड़े मॉल से शॉपिंग करने की कहानियाँ सुनाती, तो मेरे दिल में भी यही इच्छा जगती कि काश मेरे पास भी ढेर सारे पैसे आ जाएं और मैं भी उनकी तरह गाड़ी में बैठकर मॉल में जाऊं, ब्रांडेड कपड़े खरीदूं, जूते खरीदूं। लेकिन मेरी हसरत तो सीने में ही गहरी सांस से लेते हुए दम तोड़ के रह जाती थी। वैसे तो सारी ही लड़कियाँ एक से बढ़कर एक अच्छे घराने से संबंध रखती थी, लेकिन मेरी एक दोस्त सुमन का तो डिफेंस में बहुत बड़ा बंगला था। इसलिए मैंने सबसे ज्यादा गहरी दोस्ती उसी से की थी। एक बार सुमन के बर्थडे पार्टी थी, वह मुझसे जिद करने लगी कि तुम मेरी पार्टी पर जरूर आओगी। अब मैं यह सोचने लगी कि मेरे पास तो उसकी सालगिरह पर पहनने के लिए कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं है जो कि उसके स्टैंडर्ड को मैच करे। अब मैं उसे हिले बहाने करने लगी थी। वह नहीं जान थी कि मेरा संबंध गरीब घराने से है और मैं एक बहुत ही पुराने से इलाके में छोटे से घर में रहती हूँ। मैं सब लड़कियों से ये बात छुपाई थी, लेकिन वे अपनी जिद पर डटी हुई थी। कहने लगी, मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। मैंने कहा, नहीं तुम रहने दो, मैं अपने पापा के साथ आ जाऊंगी। लेकिन मैं ये सोच रही थी अब मैं क्या करूं, क्या पहनूं। वहां तो सब लड़कियों ने एक से बढ़कर एक ब्रांडेड चीजें पहनी होगी और मेरे कपड़े ही उन्हें मेरी हैसियत का पता दे देंगे। मुझे खुद से और अपने घर के माहौल से नफरत सी होने लगी थी। मैंने आज तक अपनी किसी सहेली को अपने घर आने के लिए नहीं कहा था। मैं नहीं चाहती थी कि वे लड़कियां मेरा घर देखकर मुझसे दोस्ती खत्म कर दें या मेरा मजाक उड़ाएं, क्योंकि मेरी गरीबी पर मेरा तो कोई बस नहीं था। मैं सुमन के घर शाम को ही पहुंच गई थी। पापा मुझे बाइक पर छोड़ आए थे। मैंने उनसे कहा, पापा मुझे रात को 10 बजे तक ले जाना। वे भी मान गए थे। मैं अपनी पिछली दिवाली का एक कॉटन की कढ़ाई वाला सूट पहनकर उसके घर गई थी। अपनी तरफ से तो मैं बड़ी अच्छी तैयारी की थी। इस वक्त सुमन के घर पर कोई भी नहीं आया था। अभी तो वे खुद भी तैयार नहीं हुई थी। मुझे देखकर बहुत खुश हुई, मगर जैसे ही उसकी नज़र मेरे कपड़ों पर पड़ी तो एकदम उसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। मैं समझ गई थी कि उसे शायद मेरे हालात का अंदाजा हो गया है। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई। कहने लगी, ये क्या पहना है तुमने, ये पहनकर मेरी बर्थडे पार्टी पर आओगी, लोग बातें सुनेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए सुमन को सारी बात बता दी। मुझे लगा सुमन मुझसे दोस्ती खत्म कर देगी, लेकिन मेरी बात सुनकर उसने मुंह नहीं चढ़ाया था। कहने लगी, कोई बात नहीं, चलो आओ, मैं तुम्हें अपना बहुत ही कीमती ड्रेस देती हूँ, मेरे पास बहुत से ब्रांडेड कपड़े हैं। ये कहने के बाद उसने अपना वार्डरोब खोला तो मैं तो आंखें झपकना भूल गई थी। एक से बढ़कर एक फैंसी और कीमती ब्रांडेड कपड़े मौजूद थे। उसने मुझे बहुत ही खूबसूरत सा गाउन निकल कर दिया था। कहने लगी, ये मेरे पापा दुबई से लाए थे, हमारे इंडिया के हिसाब से ये 50,000 का गाउन है, ये तुम पहन लो। मैंने कहा, ये तो बहुत महंगा है, मैं कैसे पहन सकती हूँ। लेकिन कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम इसे रख लेना, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो, मैंने 3-4 बार पहन लिया है, अब तो मुझे ये वैसे भी नहीं
पहनना है, इसलिए तुम रख लेना। मैं सुमन की दरिया दिली देखकर हैरान रह गई थी। दिल में उसे ढेरों दुआएं दी कि दोस्त हो तो ऐसी हो। मैंने वह गाउन पहना तो मैं किसी गरीब की बजाय अमीर घराने की लड़की लग रही थी। उसने मेरे बाल भी स्ट्रेट कर दिए थे, मुझे मेकअप भी कर दिया था, अपनी कीमती ज्वेलरी भी मुझे पहना दी थी, हील वाले सैंडल भी पहना दिए। मुझे लग रहा था जैसे मैं भी इसी बंगले की रहने वाली कोई अमीर जादी हूँ। सुमन ने खुद तो एक फ्रॉक पहना हुआ था, बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मैं उसे महफिल की जान बन गई थी। शायद मेरा मुंह बोलता हुसन था। हमारे कॉलेज की क्लास की सब लड़कियां सुमन की सालगिरह पर पहुंची थी। बहुत ही जबरदस्त पार्टी थी। उसके पापा ने अच्छा खासा पैसा लगाकर ही पार्टी का इंतजाम किया था। दोस्तों के साथ साथ सुमन का पूरा खानदान भी उसे पार्टी में मौजूद था। सभी अमीर लोग थे और वहाँ उसके कजिन भी मौजूद थे जो अमीर थे और खूबसूरत भी थे। मैं काफी नौजवान लड़कों की नजरों के घेरे में थी, महफिल की जान बनी हुई थी। कई लड़के सुमन से इशारों में और राजदारी में मेरे बारे में पूछ भी रहे थे। उनमें से एक लड़का पेंट कोट पहने बड़ा स्मार्ट लग रहा था। सब लड़कों में वह अलग ही नजर आ रहा था। हल्की सी शेव बड़ी हुई थी जो उसके चेहरे पर बड़ी भली लग रही थी। कई लड़कियों की नजरें उस लड़के पर थी। वे सुमन के दूर का कजिन था। सालगिरह का जब केक कटने लगा और सब लोगों ने सुमन को तोहफे देने शुरू किया, मगर उस लड़के ने तो उसे गाड़ी की चाबी दे दी थी। कहने लगा, यह मेरी तरफ से गिफ्ट है, रख लो। ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वे इतना अमीर था कि सालगिरह पर गाड़ी तोहफे में दे रहा था। सुमन हंसने लगी और उसने वे चाबी पकड़ ली। मैं उसकी खूबसूरती से इतनी इम्प्रेस नहीं हुई थी जितना कि उसकी दरिया दिली और दौलत पर हुई थी। अच्छे घर की ख्वाहिश किसी नहीं होती और मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा थी। मैंने नोट किया था कि उस पूरी पार्टी में उस लड़के की नजर मुझ पर ही टिकी हुई थी और मैं अभी उसे देखकर मुस्कुराकर भरपूर जवाब दे रही थी। मैं नहीं जानती थी वे नौजवान मेरे पास ही आ जाएगा। उसने गुलाब का फूल मेरे सामने पेश किया और कहने लगा, आज की पार्टी की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। ये सुनकर तो मेरा दिल इतना खुश हुआ था जैसे मुझे मेरे ख्वाबों का ज्यादा मिल गया हो। खूबसूरत भी अमीर भी, मैंने वह फूल उससे ले लिया। उस पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई थी, लेकिन ठीक उसी समय पर मेरे पापा पहुंच गए और मेरा दिल इतना बुरा हुआ था। लगता था कि जैसे कोई हसीन ख्वाब देख रही थी और चैन से टूट चुका हूँ। मैं पापा के साथ वापस चली गई, लेकिन रात भर मेरी आंखों में वही लड़का घूमने लगा। सबसे ज्यादा इम्प्रेस करने वाली बात यह थी कि सालगिरह पर गाड़ी का तोहफा देना। गाड़ी लाखों की आती है और उसने सालगिरह पर यूं ही दे दी थी, वरना लोगों ने तो सोने की चीज सुमन को दी थी, लेकिन गाड़ी सबसे कीमती तोहफा थी। फिर मेरे दिल में भी यही ख्याल आने लगा, कहीं वे सुमन का मंगेतर तो नहीं। लेकिन अगले दिन कॉलेज में सुमन से मुलाकात पर जो खबर मुझे सुनने को मिली मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। कहने लगी, साहिल तो तुम्हारी मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो गया है। पता है तुम्हें सुबह से 4 फोन मुझे कर चुका है कि अपनी दोस्त से मेरी दोस्ती करा दो, मुझे वे अच्छी लगी है। मैंने कहा कि ये तुम्हारा क्या लगता है। कहने लगी, मेरी माँ की मौसेरी बहन का बेटा है, लेकिन वे तुम्हें पसंद करने लगा है। मैंने सुमन को थोड़ा सा नखरा दिखाया था। मैंने कहा, देखो मुझे लड़कों से दोस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बहुत ही शरीफ खानदान की लड़की हूँ। मेरी बात सुनकर वे हंसने लगी। कहने लगी, उसका इरादा तुमसे शादी करने का है और वह भी बहुत शरीफ है, लेकिन तुमसे बात करना चाहता है। कहता है बस एक बार अपनी दोस्त से बात करवा दो। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मैंने इतराते हुए इनकार कर दिया है कि आखिर इतने बड़े बाप का बेटा है, इतना अमीर है और फिर मुझ पर मर मिटने लगा है, यहाँ तक कि शादी भी करना चाहता है, तो मुझे थोड़ा सा नखरा दिखाना चाहिए। मैंने सुन रखा था कि अमीर लड़के मिडिल क्लास लड़कियों की शराफत पर मर मिटते हैं, उन पर फिदा हो जाते हैं, उन्हें उनकी शर्मों हया बड़ी भाती है, इसलिए मैंने भी यही किया था। सुमन ने मुझे बहुत कहा कि तुम सहील से बात कर लो, लेकिन मैंने यही कहा कि अगर वे वाकई सीरियस है
तो मेरी घर रिश्ता भेज दे, लेकिन मैं फोन पर बात करने का कोई भी सिलसिला नहीं रख सकती। यह मेरे संस्कारों के खिलाफ है, मेरे संस्कार इस बात की इजाजत नहीं देते। मैंने पूरा शरीफ होने का ड्रामा रचाया था। हालांकि मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी ऐसे अमीर लड़के ऐसी चीजों से बहुत इंप्रेस होते हैं। मैं नहीं जानती थी कि मैं चांद की ख्वाहिश करूंगी और वह मेरे दामन में आ जाएगा। साहिल का तो रिश्ता भी मेरे लिए ऐसा ही साबित हुआ था। अगले ही दिन साहिल की गाड़ी हमारे घर के बाहर खड़ी थी। उसकी माँ और बहन मुझे देखने आई और बहुत खुश भी थी। उसकी माँ सादा मिजाज की थी, कहने लगी, हमें तो आपकी बेटी बेहद पसंद है। मेरी माँ भी खुश थी और मैं तो यूं थी कि मेरे पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। मुझे लगा था कि शायद उनके घर वालों को मैं तो पसंद आ गई हूँ, लेकिन मेरा ये गंदा सा इलाका, छोटा सा घर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उन्हें तो इस बात पर भी कोई एतराज नहीं था। मेरी लव स्टोरी बड़े ही आराम से अरेंज स्टोरी में बदल गई थी। मैंने चांद की ख्वाहिश की और उसे पा लिया था। मेरे साहिल से मंगनी हो गई। उसके बाद भी उसकी जिद थी कि मैं उससे बात करूं, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की। मैंने अपनी बात पर अड़ी रही कि ये शरीफ लड़कियों के ढंग नहीं होते। 2 महीने बाद साहिल से मेरी शादी भी हो गई। शादी पर साहिल ने इतना धूम धड़ाका नहीं किया था जैसा मैंने सोचा था। मैं तो चाहती थी साहिल की बारात जब मेरे दरवाजे पर आए तो मेरा पूरा मोहल्ला दांतों के नीचे उंगली दबाकर देखता रह जाए। ना ही उसने दहेज की कोई मांग की, अब ना ही कोई लंबी चौड़ी बारात लाया था। सुमन ने मेरे सामने साहिल की बड़ी तारीफ की थी। मैं सोच चुकी थी कि दोबारा अपने गरीब मायके की शक्ल भी नहीं देखूंगी, क्योंकि अब तो मैं अमीर घर की बहू बनने जा रही थी। हनीमून पर लॉन्ग टूर पर जाऊंगी। मेरा पति मुझ पर वैसे ही बहुत फिदा था, लेकिन मेरा ये सपना तो उस वक्त चकनाचूर हुआ जब गाड़ी एक मेरे ही जैसे मोहल्ले के एक छोटे से घर के सामने रुकी थी। मेरा दिल तो धक से रह गया था। मेरी सास गाड़ी और मेरी ननद ने मेरी तरफ का दरवाजा खोल मुझे उतरने के लिए कहने लगी। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। ये क्या चक्कर था? जिस गाड़ी में वे हम मुझे लेकर आए थे वह 50 लाख से कम की नहीं थी, जो कि दुल्हन की तरह सजी हुई थी। लेकिन ये घर बंगला नहीं था, बहुत छोटा सा घर था। मैंने कहा, ये किसका घर है? तो मेरी ननद कहने लगी, तुम्हारा ससुराल है भाई, उठो आओ, बाहर आओ। ये सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई थी। अपनी ननद के साथ मैं घर में देखी हुई थी। साहिल कहने लगा, ये गाड़ी मैं अपने दोस्त से लाया था, उसे वापस भी करनी है, बस ये गाड़ी देकर मैं आ रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरा जी चाहा जमीन फटे और मैं उसके अंदर समा जाए। इतना बड़ा धोखा। मेरी हालत यह थी कि गम और गुस्से के मारे मेरे आंसू भी नहीं निकल रहे थे। मेरी ननद मुझे घर के छोटे से आंगन में ले आई और वहीं से सामने छोटे से कमरे में ले जाकर बिठा दिया, जहां मेरा दहेज का सामान मुश्किल से फंसा कर रखा गया था। कमरे में बस बेड से उतर कर बाहर निकलने तक की जगह बची थी। वह छोटा कमरा देख कर मेरी आँखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। मुझे सुमन पर भी गुस्सा आने लगा और साहिल पर भी। उसने एक बार भी मुझे नहीं बताया था कि साहिल एक गरीब लड़का है। अगर वह गरीब था तो उसने साल की है पर गाड़ी की चाबी सुमन को क्यों दी थी? इतना बड़ा गिफ्ट देने वाला नौजवान गरीब कैसे हो सकता था? मेरा दिमाग बुरी तरह से चकरा रहा था। कुछ देर बाद साहिल मेरे कमरे में दाखिल हुआ, कमरा बंद किया और मेरे पास मुस्कुराते हुए आकर बैठ गया। लेकिन उसे देखते ही मेरी तेज हुई थी। वे मुझे हैरत से देखने लगा, कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों रोकर अपना मुंह का बेड़ा गर्क कर रखा है? देखो, रोने से जो मेकअप खराब होता है बड़ा गंदा लगता है। अच्छी खासी दुल्हन भी चुड़ैल लगने लगती है। यहाँ मेरे अरमानों का कत्ल हो गया था और उसे एक खेलिया सूझ रही थी। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैं बुरी तरह से उसका हाथ अपने हाथ से पीछे किया था। मैंने कहा, झूठे धोखेबाज, बेशर्म, शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे साथ इतना बड़ा ड्रामा रचाते हुए? मेरी बात सुनकर वह हैरत से मुझे देखने लगा, कहने लगा, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? किन शब्दों में मुझसे बात कर रही हो? मैं क्या किया है तुम्हारे साथ जो धोखे की बात कर रही हो?
तुम अच्छी लगी, सीधे तरीके से तुमसे शादी कर ली, इसमें धोखा क्या है? मैंने कहा, पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये सच में तुम्हारा घर है और वह गाड़ी तुम्हारे दोस्त की थी, तुम्हारी नहीं थी? कहने लगा, हाँ वह गाड़ी मेरे दोस्त की थी, मेरी नहीं थी और मेरा यही घर है। मैंने कहा, जब तुम इतने गरीब हैं तो तुम्हें सुमन के कजिन कैसे हो सकते हो? मेरी बात सुनकर वह मुझे हैरत से देखने लगा, कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसका दूर का कजिन हूँ और क्यों? अमीरों की रिश्तेदारी गरीबों से नहीं होती क्या? यह सुनकर मैं तो फूट कर रोने लगी। मैंने कहा कि तुमने सुमन की सालगिरह पर उसे गाड़ी गिफ्ट कैसे कर दी? वह कहने लगा, वह तो मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ और सुमन और बाकी खानदान वालों की गाड़ियाँ वही ठीक होने आई हैं। उसकी गाड़ी भी वही ठीक होने आई थी, उसकी गाड़ी खराब थी। जिस दिन उसकी सालगिरह थी, मैं उसी दिन उसकी गाड़ी वापस करने आया तो कहने लगी कि उसकी सालगिरह है, इसलिए मैं भी इनवाइटेड हूँ, तैयार होकर आई, इसलिए मैंने उसकी सालगिरह में भी शामिल हो गया। मेरे पास उसे देने के लिए कोई तोहफा नहीं था, इसलिए मैंने मजाक में उसकी गाड़ी की चाबी देते हुए कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। ये सब सुनकर तो मेरा जी चाहा कि समय का पहिया पीछे को घूम जाए। वह कहने लगा, देखो तुम मुझे अच्छी लगी थी, मैंने सुमन से पूछा तो कहने लगी, मेरी ये दोस्त ही ज्यादा अमीर नहीं है तुम्हारी तरह है, इसलिए मैंने उसे कहा कि मेरे उससे दोस्ती करवा दो। मैं बहुत चाहा कि तुमसे बात कर लूं, लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। हाँ, अगर तुमसे मुझसे बात की होती तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता, तुम क्या समझी थी? ये कहकर कुछ देर वह मुझे देखता रहा। मैं तो रो रही थी, मेरे तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया था, मेरे आंसू बह रहे थे। वह शायद मेरी बात समझ गया था, इसलिए पहले मुस्कुराया, फिर हंसने लगा और फिर जोर जोर से हंसता चला गया। कहने लगा, ओह अच्छा, अब समझा। मुझे तो उसके यूं हंसते पर ऐसा लगा जैसे वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, मगर वह उंगली मेरी तरफ इशारे करके कह कहे मार कर मुझ पर हंसने लगा। कहने लगा, ये तो बड़ा अच्छा प्रैंक हो गया तुम्हारे साथ, यानी कि तुमने समझा कि मैं बहुत अमीर हूँ और तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ। ये कहकर वे फिर से हंसने लगा। मैं अपना रोना धोना भूल बैठी थी, अब तो मैं बस उसके सामने शर्मिंदा शर्मिंदा सी बैठी थी और वो हंसे जा रहा था। फिर मुझसे कहने लगा, लड़की ख्वाबों की दुनिया से निकल आओ, कोई भी अमीर ज्यादा ऐसा बेवकूफ नहीं होता, समझी? ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने एक चांदी की अंगूठी पहना दी। कहने लगा, मैं तो बस एक मैकेनिक हूँ, दो चार अच्छे कपड़े हैं मेरे पास, संभाले सिलवा कर रखे हुए हैं, जो मुझे खास इस समय पहनने देती हैं जब उनकी अमीर खानदान में कहीं दावत होती है। हैरत है, तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया? ये कहते हुए वे मेरे करीब आने लगा था। कहने लगा, कोई बात नहीं, जो होना था वह तो हो गया, अब तुम्हारे रोने से क्या होगा? वैसे रोने से तुम्हारा काजल फैल गया है, जो इस वक्त तुम्हारी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है। अब वह मुझसे शरारत करने लगा था, तुम्हें देखते ही मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा था। पता था मोहब्बत को पा लेना ही इंसान की असल जीत होती है। वह मेरा पति था, इसलिए मैं उसे कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पर बेतहाशा रोना आ रहा था। मैं एक मैकेनिक की पत्नी बन गई थी, कितने ख्वाब देखे थे मैंने, जो कांच की तरह से टूट कर मेरी आंखों में चुभने लगे थे। कौमा साहिल मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा, लेकिन मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना उसकी तारीफ, ना उसकी मोहब्बत, और ना ये कमरा, और ना ही ये जिंदगी। ना जाने कब मेरी आंख लगी थी, सुबह 7 बजे साहिल ने मुझे झिझोड़ कर उठाया था। मैंने मुदी मुदी आंखों से उसे घूर कर देखा था। कहने लगा, यहाँ सिर्फ 7 से 8 बजे तक ही पानी आता है, जल्दी से नहा लो। ये सुनकर मुझे अपनी किस्मत पर और भी रोना आया था। अब मुझे सारी जिंदगी
इन बातों का हिसाब रखना होगा कि किस वक्त पानी आएगा और किस वक्त जाएगा। साहिल ने बस एक दिन की ही छुट्टी अपनी वर्कशॉप से ली थी। मैंने तो सोचा था शादी के बाद हनीमून पर वर्ल्ड टूर पर जाऊंगी और यहाँ तो बस मेरा पति मुझे चंडू चंद्र के ढाबे तक लेकर गया था और खाना खिलाकर वापस ले आया था और बस हो गया था मेरा हनीमून। मेरी जिंदगी घनचक्र बनकर रह गई थी। हर वक्त साहिल से मेरा झगड़ा होता रहता कि वे मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाता। वो कहता कि मेरी तंगा में ही गुजारा करो, मैं ज्यादा फजूल खर्ची नहीं कर सकता। मैंने कहा, जब से मेरी शादी हुई है तुम एक बार भी मुझे कहीं लेकर नहीं गए हो। कहने लगा, जानती हो कि मेरी तनख्वाह बहुत कम है, मैं ये अयाशियां तुम्हें नहीं करवा सकता। मैं रोती से सकती जिंदगी जी रही थी। जैसे मैंने अपने बाप के घर में गुजारी थी वैसे ही जिंदगी अपनी हर ख्वाहिश के लिए तरस रही थी। अभी सोचती थी कि मेरा वक्त बदल जाता, काश कि मैं साहिल की मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ती। अगर मुझे पता चल जाता कि वे भी मेरी तरह गरीब है तो मैं उससे शादी ना करती और अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करती, अपने हालात बदलती। लेकिन अब तो मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे। मेरी सास को पोते की इच्छा जगने लगी थी लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मुझे बच्चा हो, इसलिए मैंने छुपकर बच्चा ना होने की दवाइयां खाना शुरू कर दी। सोचा कि जब मेरे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे तब हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकेंगे और तभी बच्चा पैदा करेंगे। उन्हीं दिनों मेरे कॉलेज की एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ गई, जब वे भी मेरी तरह मिडिल क्लास की हुआ करती थी। लेकिन आज तो बड़ी बन ठन कर आई थी, कपड़े भी काफी ब्रांडेड पहने हुए थे, पर्स भी कीमती था। आते हुए मेरे लिए खूब सारा बेकरी का सामान और केक लेकर आई थी। बातों बातों में मुझे पता चला कि वह एक ऐसा काम करती है जिससे उसकी गरीबी महीनों में ही खत्म हो गई है। कहने लगी कि मैंने अपना घर भी खरीद लिया है और कुछ ही महीनों में मैं वहाँ शिफ्ट भी हो जाऊंगी। मैंने पूछा, वे ऐसा क्या काम करती है कि महीनों में ही उसकी जिंदगी बदल के रह गई है। कहने लगी, तुम भी चाहो तो अपनी किस्मत बदल सकती हो। मैं बड़ी दिलचस्पी से पूछा। मैंने कहा, हाँ बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। कहने लगी, जिस बॉस के लिए मैं काम करती हूँ वे लोग सोना स्मगलिंग करते हैं, बस हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस दुबई उनका सामान लेकर जाना होता है, सारा खर्चा वही लोग उठाते हैं। बस दुबई से वापस आते हुए सोने की चीज पहननी होती है, अंगूठियां, जुड़ियां, चैन, लॉकेट, ये सब पहनकर यहां आकर उतार के उन्हें दे देना होता है। हम लोग जो भी सामान लाते हैं वे सारे का सारा उन्हीं लोगों का होता है, हमारा कुछ नहीं होता। बस हमें तो यहां से दुबई जाना होता है, होटल में हमारा कमरा बुक मिलता है, 2 दिन घूमो फिरो खाओ पियो ऐश करो और 2 दिन बाद वापस हिंदुस्तान आ जाओ, और आते हुए उनके लिए सोना लेते आओ। बदले में वे हमें 2 लाख, कभी 3 लाख और कभी 10 लाख भी दे देते हैं। उनकी उसके बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने कहा, ऐसा भी उनके सामान में क्या होता है जो कभी कभी 10 लाख भी दे देते हैं। कहने लगी, ये तो मुझे नहीं पता। खैर मुझे भी पैसों की जरूरत थी इसलिए मैं काम करना शुरू कर दिया और देखो 9 महीने के अंदर अंदर मैंने सब कुछ खरीद लिया है। मेरे घर में एसी है, जनरेटर है और अब तो मैंने अपना घर तक खरीद लिया है और एक बहुत ही अच्छी लग्जरी लाइफ गुजार रही हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर सोच चुकी थी कि अपने हालात बदलने के लिए मैं भी ये रिस्क जरूर लूंगी। बस 1 साल की मेहनत है, अगर 1 साल में मैं इतने पैसे कमा लूँ तो फिर घर और बैंक बैलेंस बनाने के बाद काम छोड़ दूंगी। मुझे भलकों सा सारी जिंदगी ये काम करना था। लेकिन रात को जब मैं ये बात साहिल से कही तो वे हम मुझे घूर कर देखने लगा। कहने लगा, पागल हो गई हो, तुम जानते हो कितना खतरा है इस काम में। यकीनन वे कोई गैर कानूनी सामान भिजवाता होगा, मैं ये काम नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें करने की अनुमति दूंगा। मैंने कहा, साहिल प्लीज समझने की कोशिश करो, उन लोगों के बड़े लंबे हाथ हैं, तुम नहीं समझते। वरना ये कस्टम ऑफिसर ऐसा सामान आने जाने देते होते, जाहिर है इन लोगों की बड़ी सेटिंग होती होगी। जब मेरी दोस्त नहीं पकड़ी गई तो हम क्यों
पकड़े जाएंगे, मुझे नहीं पता। देखो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी, जानते हो ना, तुमसे शादी भी धोखे में हुई है। वरना जितनी मैं खूबसूरत हूँ, सुमन की सालगिरह पर बहुत से लड़के मेरे हुस्न के दीवाने हो गए थे। अगर तुमसे शादी न होती तो यकीनन किसी अमीर घराने में शादी हो जाती। मेरी बात सुनकर वह नाराज नजरों से मुझे देखने लगा, कहने लगा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है दिव्या, और मेरी पत्नी हो तुम। तुम्हारी जबान से मैं किसी और के बारे में ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। तुम मेरे लिए, मेरे अलावा तुम्हें कोई नजर भर कर भी देखे तो मेरा जी चाहता है उसकी जान ले लूं। साहिल की मोहब्बत मेरे लिए ऐसे ही थी, अगर बाजार में कहीं आते जाते कोई लफंगा टाइप का लड़का मुझे घूर कर देखता तो साहिल उससे लड़ने लगता था। मेरे मामले में वे ऐसा ही था। साहिल के सख्त शब्द सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैंने उसके दोनों हाथों को थाम लिया, उसकी विनती करने लगी। मैंने कहा, प्लीज मुझे ये काम करने की अनुमति दे दो, बल्कि तुम भी मेरे साथ यही काम करो। तुम जो काम करते हो उससे तुम्हें क्या मिला है? कल को हमारा बच्चा होगा तो उसका क्या फ्यूचर होगा? साहिल ये तो सोचो, मैं बड़ी विनती करके आखिरकार साहिल को राजी कर लिया था। फिर हम दोनों ही उस आदमी से जाकर मिले जो कि रातों रात अमीर करने के सपने सच करता था। पहली बार जब हम उसका सामान दुबई लेकर जा रहे थे तो मुझे डर महसूस हो रहा था। मैं नहीं जानती थी कि सामान क्या है, बस ये पता था बहुत कीमती चीज है। हम लोग जब दुबई की एयरपोर्ट से बाहर निकले तब जाकर सुकून का सांस लिया था। वहाँ पहले से गाड़ी मौजूद थी जो हमें लेने आई थी, उसने हमें होटल के कमरे में छोड़ा था। सामान हमसे वह ले चुके थे, बदले में दिरहम दिए थे और ये भी कहा था यहाँ पर हम दो दिन जितना चाहे घूम फिर सकते हैं, बाकी पैसे हिंदुस्तान जाते ही मिल जाएंगे। होटल के कमरे में आकर मैं सोच रही थी कि दुबई में दो दिन कहाँ घूम फिर सकते हैं, लेकिन साहिल बहुत खामोश था। मैंने कहा, अब तुम क्या सोच रहे हो? कहने लगा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, मगर सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में ये सब कर रहा हूँ, वरना मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। काश कि तुम भी मेरी सैलरी पर राजी हो जाती। मैंने कहा, इतना ज्यादा मत सोचो, हमें कौन सा ये काम पूरी जिंदगी करना है, बस अपना घर बना ले, थोड़ा सा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर ले, एक छोटी सी गाड़ी खरीद ले, बस ये काम छोड़ देंगे। लेकिन ये तो एक दलदल था, पहले चक्कर पर हमें उसने 5 लाख दिए थे। इतनी बड़ी रकम देखकर तो मैं खुशी से पागल हो गई थी। मैं उनमें से 50,000 लिए। मैंने कहा, साहिल मैं इन पैसों की खूब सारी शॉपिंग करूंगी। लेकिन साहिल पता नहीं क्यों चुप सा था, कहने लगा, मुझे ये पैसे जायज नहीं लगता, पता नहीं आदमी हमें कहाँ फंसा देगा। लेकिन मैं तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही ना थी। 5 लाख को मैंने 1 महीने में उड़ा दिया था। अपने कमरे में एसी लगवाया, LCD लगवाई और अपने घर में पानी का पक्का इंतजाम करवाया ताकि पानी की परेशानी न उठानी पड़े। खूब सारी शॉपिंग की थी। साहिल को तो मैं एक पैसा भी नहीं दिया था। लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो मैंने साहिल से कहा, चलो हम एक चक्कर और लगा आते हैं। लेकिन इस बार जब हम उस आदमी से मिले तो वे कहने लगा कि मैं तुम लोगों से इस तरह से काम नहीं करा पाऊंगा कि जब तुम लोगों का जी चाहे तो तुम लोग काम करो और जब भी चाहे घर में बैठ जाओ। अगर तुम लोगों ने काम करना है तो महीने में 15 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये सुनकर साहिल कहने लगा, इस तरह तो हम नजरों में आ जाएंगे। वे कहने लगा, डॉक्टरी यह मेरी प्रॉब्लम है, मैं तुम लोगों को बचा लूंगा, कच्ची गोलियां नहीं खेलता हूँ मैं। वह आदमी जब भी हमसे बात करता है उसकी रिवॉल्विंग चेयर हमेशा दीवार की तरफ होती थी। हमने आज तक उसका चेहरा नहीं दिखा था, वह दीवार की तरफ अपना चेहरा करके हमसे बात करता था। साहिल कहने लगा, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लगता, मेरा दिल कहता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो? सोचो हर चक्कर के हमें 5 लाख मिलेंगे और महीने के 15 चक्कर, मतलब जानते हो कितने पैसे हैं? हम तो 3-4 महीने में ही इतना बैंक बैलेंस जमा कर लेंगे कि सब कुछ खरीद लेंगे और फिर ये काम छोड़ देंगे। हमें कौन सा सारी जिंदगी ये सब करना है?
मैंने जैसे तैसे करके साहिल को राजी कर लिया था और फिर ऐसा ही होने लगा। एक महीने में हमारे पास अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो गई थी। साहिल कहने लगा बस बहुत हो गया अब और नहीं। मैंने कहा देखो ना, ये पैसे इतने नहीं कि हम कोई बांग्ला खरीद सके। दो महीने दे दो मुझे, दो महीने में हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि हम एक फ्लैट खरीद लेंगे। उसके बाद मेरा तुमसे वादा है मैं ये काम छोड़ दूंगी। साहिल की मोहब्बत थी कि वे मेरी बात मान जाता था, लेकिन शायद हमारी किस्मत अच्छी न थी। जैसे ही एक बार हम दुबई पहुंचे, साहिल को अपनी ट्राली लेकर बाहर निकलना था और मुझे बाद में साहिल बाहर निकल चुका था और बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैंने अपना सामान अपनी ट्राली में रखा और बाहर आने लगी तो मुझे कस्टम ऑफिसर ने रोक लिया। कहने लगा मुझे आपके सामान की तलाश ही लेनी है। ये सुनकर तो मेरा दिल धक से रह गया था। साहिल बाहर खड़ा मुझे ही देख रहा था। मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया। बाहर खड़ी गाड़ी ने साहिल का सामान पकड़ लिया था। साहिल फौरन अंदर आया। कहने लगा यह मेरी वाइफ है, क्या हुआ है? वे ऑफिसर कहने कि हमें आपका सामान चेक करना है। जैसे ही उसने मेरा सामान चेक किया उसमें से हीरोइन निकली थी। ये देखकर मेरा रंग उड़ गया था। साहिल की हालत भी मुझसे अलग ना थी। ऑफिसर कहने लगा आप लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ के कानून के हिसाब से आपको 10 साल की कैद होगी। ये सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई थी। साहिल कहने लगा हम नहीं जानते कि हमारे साथ ये खेल खेला गया है। ये सामान हमारा नहीं है। लेकिन वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। हम दोनों को एक ही कमरे में ले जाया गया। कहने लगा अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खामोशी से जाने दूं तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा जी आप कहें हमें क्या करना पड़ेगा। वे ऑफिसर साहिल से कहने लगा तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत है, उसे एक रात के लिए मेरे पास भेज दो। ये कहना था कि साहिल ने उस ऑफिसर का ग्रीवान पकड़ लिया। कहने लगा तुम होते कौन हो मेरी बीबी के बारे में यह सब कहने वाले? हमने जुर्म किया है, ठीक है, तुम्हें जो कुछ करना है मेरे साथ करो। खबरदार जो तुमने मेरी बीबी का नाम भी अपनी जबान पर लिया। साहिल को गुस्से में देखकर उस ऑफिसर ने गुस्से से अपना ग्रीवान छुड़ाया। कहने लगा आप देख मैं क्या करता हूँ, तूने मेरा ग्रीवान पढ़कर अच्छा नहीं किया। और उसने फौरन पुलिस को खबर कर दी और वह पुलिस हमें पकड़ कर ले गई। मैं अपने दोस्त को भी फोन किया है कि वह अपने बॉस से कहे कि हमारी जान छुड़ाए, लेकिन कोई भी हमारी मदद को नहीं पहुंचा था। मुझे एक जेल में बंद कर दिया गया। रात के समय एक जेलर औरत मुझे जेल से निकाल कर एक ऑफिसर के कमरे में ले गई। मेरे दोनों हाथ पीछे को बांधे हुए थे। उस कमरे में 3 ऑफिसर थी और साथ में वह ऑफिसर भी था जिसके ग्रीवान पर साहिल ने हाथ डाला था। उन्हें देखकर मेरी जान निकली थी। वह आपस में अरबी में बात कर रहे थे जो मेरी समझ से बाहर थी। फिर वे जेलर से कहने लगे तुम जाओ। वे औरत वहाँ से चली गई। चारों ने मेरे साथ मिलकर खूब दरिंदगी की थी। मेरी हालत यह थी कि मैं पागल सी हो गई थी। मेरा जी चाहा मैं खुद को खत्म कर लूं। वे ऑफिसर कहने लगा कि मैं तुम्हें एक महीने से देख रहा हूं। तुम्हारे बॉस के साथ हमारी सारी सेटिंग है, लेकिन तुम पर मेरी नीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे बात से कह दिया था कि इस लड़की के साथ वक्त गुजरूगा। अगर तुम्हारा पति उस दिन मेरा ग्रीवान ना पकड़ता तो बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में खत्म हो जाती, लेकिन तुम्हारे पति ने मेरा ग्रीवान पकड़कर अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है कि जिस कमरे में हमने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उसमें एक कैमरा लगा दिया गया है जिसकी वीडियो तुम्हारे पति को दिखाई गई है। यह सुनकर तो मुझे लगा कि अब मैं जी नहीं पाऊंगी। साहिल मुझे बहुत मोहब्बत करता था, उसने कैसे ये सब देखा होगा, कैसे सहा होगा। वह तो मेरी जबान से किसी गैर का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था। मेरे लालच ने मुझे ये दिन दिखाया था। अगले दिन उन्होंने हम दोनों को छोड़ दिया था। साहिल खामोश था, मैं रोए जा रही थी। जब हम वापस हिंदुस्तान आए तो घर आकर मैं साहिल से माफी मांगने लगी, लेकिन वह चुप था। एक शब्द भी उसने मुझे नहीं कहा था और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर
निकाल कर कमरा बंद कर लिया। मैं दरवाजा खटखटाने लगी, कहने लगी दरवाजा खोलो, मैं कभी उसकी बात से इनकार नहीं करूंगी। लेकिन उसने दरवाजा बंद कर लिया था और नहीं खुला। मेरी सास भी आ गई और वह भी दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। मोहल्ले के कुछ लड़के भी आ गए और दरवाजे को धक्का देने लगे, और जैसे ही दरवाजा खुला सामने का मंजर देखकर मैं पागल हो गई थी। साहिल ने पंखे के साथ लटककर अपनी जान ले ली थी, वो मर चुका था। मेरे बैंक बैलेंस में उस वक्त 90 लाख रुपए थे। मेरे कमरे में हर सुख सुविधा का सामान मौजूद था। जिस घर में रह रही थी उसमें भी सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैं खाली दामन रह गई थी। मेरे लालच ने मेरे साहिल की जान ले ली थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी, दीवारों से सर मार रही थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान के लिए साहिल तुम वापस आ जाओ, मैं ये सारे पैसे वापस कर दूंगी, तुम्हारे साथ गरीबी में जिंदगी में जी लूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? लेकिन वे नहीं उठा था, वे मुझे छोड़कर जा चुका था। मुझे इन पैसों से अब घृणा आने लगी थी, नफरत होने लगी थी। मैं पागल हो गई थी, कभी खुद को मारने लगती, कभी अपने बाल नोचती। मेरी सास ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं हर वक्त रोती रहती हूँ, अपने साहिल को याद करती रहती हूँ, उसकी बातें याद करती हूँ। कई बस मेरी एक गलती माफ कर दे और वे वापस आ जाए। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, तुम्हारे साथ गरीबी में गुजारा कर लूंगी। वे वापस ही नहीं आता। अभी मुझे साहिल के लौटाने का इंतजार है, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं जानती हूँ कि वे कभी लौट कर नहीं आएगा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।